प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर यानी घी जेसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन आज ये कार्रवाई किसी अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए नहीं बल्कि शराब माफियाओं के खिलाफ की गई। यूपी के चंदौली में अवैध तरीके से जब्त की गई शराब पर बुलडोजर से वार किया गया और हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जेसीबी का इस्तेमाल कर नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि इस 13,423 लीटर शराब को यूपी बिहार बॉर्डर पर पकड़ा गया था। ये मामला सैयद राजा कोतवाली का है, जहां कोर्ट के आदेश के बाद शराब को नष्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई सैयद राजा कोतवाली क्षेत्र के NH2 की खाली सड़क पर की गई। जनपद चंदौली में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थानों पर लंबित मालों के निस्तारण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी निर्देश के क्रम में आज 28 दिसंबर को थाना सैयद राजा पर वर्ष 2020 और 21 के आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 114 पंजीकृत मुकदमों में जो देशी और विदेशी मदिरा बरामद की गई थी, आज उसका विनष्टीकरण किया गया है। ये 13,423 लीटर मदिरा आज थाना सैयद राजा पर विनष्ट की गई है। इसमें देशी और अंग्रेजी दोनों तरह की मदिरा शामिल है। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें SPO चंदौली, क्षेत्राधिकारी सदर, इंस्पेक्टर सैयद राजा और आबकारी निरीक्षक टीम में शामिल थे। इस टीम के द्वारा आज लगभग 13,423 लीटर मदिरा को विनष्ट किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि जिले में लगातार हो रहे शराब कारोबारियों पर पुलिसिया कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। We'll be right back.